कितना आसक्त हो जाते हैं, और ये भ्रांति है, इससे अपने आप को बचाओ। प्रेम सबसे करो, आसक्त किसी में ना हो। लेकिन हम यही नहीं समझते कि हम कितने फंसे हैं इसमें। तो आसक्ति ये भ्रांति है, इस भ्रांति से निकल जाओ। असंगोसी, यही हमारा स्वरूप है। देखो जैसे हम अमुक वस्तु के सिवा जी नहीं सकते, हम कहते हैं लेकिन जी लेते हैं। असंगोसी निराकार, दूसरी महत्व की बात, निराकार अपना कोई आकार नहीं। इसलिए निराकार की धारणा बहुत बड़ी साधना है। ये बात भी हमने आपको कई बार समझाई है, निराकार की धारणा कैसी करनी है। बैठ लिए शांत होकर के 2-4 मिनट 10 मिनट, उसके बाद चुप मत बैठो, फिर चिंतन शुरू करो कि निराकार क्या है। हमारे ज्ञान में तुरंत आ जाता है आकाश, आकाश का कोई आकार नहीं। तो फिर आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो आकाश सभी आकारों का आधार है, लेकिन किसी भी आकार में लिप्त नहीं है, किसी भी आकार से प्रभावित नहीं होता। कितनी सिंपल बात है। तो अपने आप को आकाश के जगह में रख दो, लेकिन मैं आकाश हूं ये बात नहीं करनी। आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो सब किसी का तिरस्कार नहीं, किसी आकार को पकड़ के रखते नहीं, सभी आकारों का आधार है, लेकिन स्वयं निराकार। इस तत्व को यदि आपने अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया, तत्व आकारहीन होता है, तत्व का आकार नहीं होता। तत्व माने जिसके कारण कोई रह सकता है, जैसे सुवर्ण यह आभूषणों का तत्व है, जल या पानी यह नदियों का, समुद्र का, लहरों का, बादलों का तत्व है, इसीलिए ये सभी आकारों में आ जाता है। आकाश ये तत्व है, दृष्टि ये तत्व है, मन ये तत्व है। देखो भूमिरापोक नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति जो है भगवान की, ये अष्टधा हो लेकिन ये निराकार है। पंच महाभूतों को आकार नहीं, मन बुद्धि अहंकार इनको तीनों को भी आकार नहीं। जो निराकार है वो आकार का आधार होते हुए भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह हमको ग्रहण करना पड़ेगा। असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी। तो जैसे पानी समुद्र और लहरों के खेल का साक्षी है, आकाश सभी आकारों का साक्षी है, दृष्टि सभी रूप रंग की साक्षी है, मन सभी आकारों का माने सभी देह का साक्षी है, और चिन्मय सत्ता जड़ चेतन का साक्षी है। कहने का तात्पर्य, साक्षी केवल एक होता है। ये बात जब तक के समझ में नहीं आएगी तब तक के हम केवल भटक रहे हैं। जैसे भटकते हैं कि हर देह में एक जीव होता है, उसी प्रकार से हर साधक का एक साक्षी होता है। इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती। साक्षी एक ही है, अनेक नहीं है। देखो असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी, और संपूर्ण विश्व का साक्षी है। जागृत का भी हम साक्षी है, स्वप्न के भी
सुषुप्ति के भी और समाधि के भी, ये सब आते जाते हैं, हमारे प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, लेकिन इनके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। वह अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं रे बाबा, इसको कहते भावना या धारणा। गीता में इसको भावना कहा है और विज्ञान भैरव में इसको धारणा कहा है। बात एक ही है, असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी, संपूर्ण विश्व का साक्षी। इसीलिए मैं एव सकलम जातम, सबका सब मुझ में ही प्रकट होता है। मैं एव प्रतिष्ठितम, सब मुझ में ही रहता है। और मैं सर्वम लयम याति, सब मुझ में ही वापस आ जाता है। वह ब्रह्म मैं हूँ। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तो यदि हम विश्व साक्षी का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या अभ्यास करना पड़ेगा? सुखी भव, बी हैप्पी। आ गए ना हमारे महामंत्र पर? जो अष्टावक्र जी ने संस्कृत में बताया वही हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा है, या हिंदी में कहो तो मौज में रहो। कितनी सरल बात है महाराज। यह जो अभ्यास है यह क्रियात्मक नहीं है, ये विचारात्मक भी नहीं है, यह निष्क्रियता का अभ्यास है।